सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं इस बेल को ताकि इसी तरह की फ्री जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल घरेलू पंडित में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसे पेड़ पौधों का जिक्र हुआ है जिन्हें अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे कि पीपल, बरगद, अशोक का पेड़। आपने भी देखा होगा, जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो अशोक के पत्तों की माला हम अपने घर के दरवाजे पर लगाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अशोक के पत्तों में वो चमत्कारी शक्ति होती है जो घर में हो रही नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा देती है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिनसे हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचता है। अगर आप अशोक वृक्ष की ताज़ा तथा तीन कोमल पत्तियों को प्रत्येककाल नियमित रूप से चबाएंगे तो आपको सभी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन की कमी जैसे हालातों से गुजर रहा है या फिर किसी कारणवश ऐसी स्थिति आ गई है तो अशोक के वृक्ष की जड़ का टुकड़ा किसी भी शुभ मुहूर्त में घर के मंदिर में रख दे और प्रतिदिन धूप दीपक देते रहें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में धन संबंधी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, अगर वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा या परिवार में क्लेश का वातावरण है तो इसको शांत करने के लिए सात पत्तों को घर के मंदिर में रख दे। जब ये पत्ते मुरझा जाएं, तो इन पत्तों को हटाकर दूसरे नए पत्ते ले आएं और पुराने पत्तों को पीपल की पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में आ रही सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।